प्रभु यीशु मसीह के मीठे और पवित्र नाम में जय मसीह की। आज हम बात करने वाले हैं, जैसा कि आपने थंबनेल में पढ़ा भी होगा, क्या हमारी प्रार्थना ऊपर यानी परम प्रधान की ओर जा रही है या हमारी प्रार्थना बीच में ही कोई अंधकार की शक्तियां रोक दे रही हैं। इस टॉपिक पर जब हमने प्रार्थना किया तो निश्चय परमेश्वर ने अपने वचनों को प्रकट किया है, जिसे हम आज आपके मध्य में प्रकट करने वाले हैं। तो आइए आप और हम अपने सरों को दो मिनट के लिए झुकाते हैं, ताकि उस परम प्रधान के वचन को हम आपको और हमारे जीवन में लागू कर सके। आइए सब अपने सर को झुकाते हैं। परम प्रधान परमेश्वर पिता खुदावंद, आपका वचन हीरे जवाहरात और सोने चांदी से भी बेस गिनती है पिता। उस वचन को मैं अपने जीवन में और अपने लोगों के जीवन में मांगता हूँ पिता। आइए हमारे जीवन में पिता परमेश्वर और हमारे शरीर और हमारे प्राण पर आप नियंत्रण लाइए खुदावंद बाप, हे मेरे परमेश्वर पिता, ताकि आज जो आज का विषय है हमारी प्रार्थना आप तक नहीं पहुंच पाती और कई बार शैतान रोक देता है पिता, तो इस टॉपिक पर अपने वचनों को प्रकट कर, जिससे हम और सुनने वाले तमाम विश्वासी इसके अनुसार हम जीवन को चला सके पिता। यीशु के नाम से स्वीकार कर और हमारे शरीर और हमारे प्राण पर अपने पवित्र आत्मा का नियंत्रण दे पिता, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। आप सबको एक बार फिर जय मसीह की। आज निश्चय हम बात करने वाले हैं, शैतान कई बार हमारी प्रार्थनाओं को रोक देता है और कई बार हमारी प्रार्थनाएं परमेश्वर तक पहुंच नहीं पाती हैं। कुछ वचनों के द्वारा हम देखते हैं, जिससे आप में से बहुत से ऐसे विश्वासी भाई बहन और कलीसिया के मेरे बुजुर्ग लोग होंगे जो प्रार्थना तो करते हैं और प्रार्थनाएं कई बार बहुत बार प्रार्थना ऊपर तक नहीं जाती है, प्रार्थना बीच में ही रोक दी जाती है और हमारा मन कहता है कि प्रार्थना ऊपर तक गया होगा। हम ऐसे ही अंधेरे में कई बार तीर को चलाते हैं कि हमारी प्रार्थना ऊपर तक जा रहा होगा, जबकि परमेश्वर आपसे और हमसे कुछ इस तरह से कहते हैं। आइए हम कुछ टॉपिक पर देखते हैं कि कैसे कुछ विश्वासियों का प्रार्थना ऊपर तक जाने से रोका गया है और इसका कारण भी क्या था। मैं दानियल के अध्याय 10 और उसका 12 वचन को आपके मध्य में रखना चाहता हूं, जो इस तरह से है। दानियल 10 का 12 में परमेश्वर कहता अपने दास के द्वारा, फिर उसने मुझसे कहा, हे दानियल मत डर, क्योंकि पहले ही दिन को जब तूने समझने बुझने के लिए मन लगाया और अपने परमेश्वर के सामने अपने को दीन किया, उसी दिन तेरे वचन सुने गए हैं। हालेलुया। ये हम बात कर रहे हैं, दानियल जब स्वप्न दर्शन में परमेश्वर के पास चला गया था और वो जब दर्शन देखा था, वो दर्शन अत्यंत भयानक दर्शन था और उस दर्शन को नहीं समझ पा रहा था, इसलिए वो लगातार प्रार्थना करने के लिए ठान लिया और जैसे ही प्रार्थना में पहले दिन बैठा, उसी दिन से परम प्रधान की ओर से यह बातें आई और कहा कि हे दानियल तू अति प्रिय ठहरा है। लेकिन जब दानियल देखता है कि मैं प्रार्थना कर रहा हूं लेकिन मेरी प्रार्थना का जवाब नहीं आ रहा है, उसने एक दिन प्रार्थना किया, दो दिन प्रार्थना किया, ऐसे लगातार प्रार्थना किए जा रहा है और उसके प्रार्थना का जवाब नहीं आया। आप सब इस वचन को एक बार और ध्यान से सुनिए, मैं 13 को एक बार और पढ़ रहा हूं। फारस के राज्य का प्रधान 21 दिन तक मेरा सामना किए रहा। हालेलुया। ये प्रधान स्वर्गदूत जिब्राइल कह रहा है दानियल को कि फारस का राजा मतलब अंधकार की शक्तियां 21 दिन तक मुझे रोक दिया है करके। हालेलुया। ये कितनी भयंकर बातें हैं। जब दानियल प्रार्थना कर रहा था, पूरे मन लगाकर पूरे नम्रता और दीनता के साथ प्रार्थना कर रहा था, उसकी प्रार्थनाओं को 21 दिन तक शैतान ने रोक दिया। और जब परमेश्वर ने देखा कि दानियल लगातार प्रार्थना किए जा रहा है, वो कम से कम 14 दिन तक वो लगातार प्रार्थना करता रहा और उसकी प्रार्थना ऐसी थी गिड़गिड़ाहट के साथ में कि परम प्रधान ने उसके शब्दों को सुना कि दानियल अभी भी उसी टॉपिक पर प्रार्थना कर रहा है। फिर उसने अपने और प्रधान स्वर्गदूत जो हमारे और आपके, जिसके नाम लेने में एक हर्ष एक आनंद महसूस होता है, वो प्रधान स्वर्गदूत को जो मिकाइल है उसको भेजा और लिखा है जिब्राइल जो कहता है कि हमारे तरफ लड़ने के लिए मिकाइल स्वर्गदूत के अलावा और कोई स्थिर नहीं रह सकता करके। हालेलुया। 21 दिन तक जब रोक के रखा, तब मिकाइल स्वर्गदूत ने आया और उस अंधकार के शक्तियों को जड़ को हिला दिया। तब जिब्राइल स्वर्गदूत दानियल के पास आकर उस दर्शन को बताता है। मेरे विश्वासी भाइयों, निश्चय इस शब्दों से, इस वचन से आप निश्चय विचार कीजिए कि जब दानियल प्रार्थना कर रहा था, उसकी प्रार्थना को 21 दिन तक उसको रोक दिया गया और पूरी तरीके से उसकी जब प्रार्थनाओं को रोका गया है, वो प्रार्थना लगातार
लगातार 21 दिन तक प्रार्थना किए जा रहा था इस टॉपिक पर परमेश्वर ने अपने प्रधान स्वर्गदूत को भेजा और उसको प्रार्थना का उत्तर दिया। आप में से बहुत से ऐसे विश्वासी हैं जो एक दिन प्रार्थना करके, दो दिन प्रार्थना करके, तीन दिन प्रार्थना करके प्रार्थना का बाट कुछ पल का जो होता है, कुछ पल तक देखता है कि प्रार्थना का रिजल्ट तुरंत आ जाए, लेकिन ऐसा नहीं होता। कई बार अंधकार की शक्तियां हमारी प्रार्थनाओं को रोक देती हैं और कई बार हमारी प्रार्थना ऊपर तक नहीं जाती है और हम यह सोचते हैं कि हमारी प्रार्थनाओं को परमेश्वर ने सुन लिया होगा करके कई बार हम धोखे में रह जाते हैं। निश्चय परमेश्वर हर बातों को सुन सकते हैं, हर बातों को जान सकते हैं, लेकिन मैं एक उदाहरण आपको बताता हूं। जिस प्रकार अगर कोई व्यक्ति एक गमले में पूरी तरीके से शरबत का पानी, मीठा, बहुत मीठा पानी को अगर उसमें घुलनशील पदार्थ शक्कर को डालकर घोल ले जाए और उसमें कहीं एक बूंद अगर जहर उसमें डाल दिया जाए तो आप निश्चय जान सकते हैं कि किसका असर ज्यादा होगा। वो एक बूंद जहर पूरे मीठे पूरे शरबत के पानी को बर्बाद कर देगा और पीने वाले को तमाम कर देगा उसका काम। हालेलुया। मैं इस टॉपिक पर इसलिए आपको बताया कि कई बार ऐसी हो जाती है कि हमारे मन में बहुत से ऐसी बातें आ जाती हैं और कई बार हम मसीह के शिक्षा से आगे निकल जाते हैं और जीवन को वैसे नहीं रखते हैं। इस टॉपिक पर हमारी प्रार्थना ऊपर तक नहीं जाती। जिस प्रकार से यशायाह के अध्याय में परमेश्वर 58:4 में आप पढ़ेंगे, यशायाह 58:4 में परमेश्वर ने रखा है कि जिस रीति से आजकल तुम उपवास रखते हो, जिस टॉपिक से आज कल तुम प्रार्थना करते हो, तुम्हारी प्रार्थना ऊपर तक नहीं आती करके। हाँ मेरे विश्वासी भाइयों और बहनों, यशायाह 58 में परमेश्वर ने साफ साफ कहा कि हमारी प्रार्थना ऊपर तक नहीं जाती है। अब जब परमेश्वर हमसे कह रहा है कि हमारी प्रार्थना ऊपर तक नहीं जाती है तो क्यों नहीं जाती है? क्योंकि हम परमेश्वर के वचन के अनुसार अपने जीवन को रखे नहीं है। हम शिक्षाओं में तो आगे बढ़ गए हैं। एक वचन को मैं आपके सामने निकाल कर समझाना चाहूंगा, जो वचन दूसरा यूहन्ना के अध्याय पर लिखा हुआ है। दूसरा हम यूहन्ना में देखते हैं उसका 1 अध्याय का उसका 9 वचन में पढ़ रहा हूं। जो कोई मसीह की शिक्षा से आगे बढ़ जाता है और उसमें बना नहीं रहता उसके पास परमेश्वर नहीं। हालेलुया। मैं एक बार और फिर पढ़ रहा हूं। जो कोई मसीह की शिक्षा से आगे बढ़ जाता है और उसमें बना नहीं रहता उसके पास परमेश्वर नहीं है। हालेलुया। जब परमेश्वर हमें और आपको साफ साफ कह रहा है कि कई बार हो जाता है कि हम बहुत से ज्ञानों को अपने पास रख लेते हैं, बहुत से नॉलेज को हम अपने जीवन में पूरे तरीके से उसी के भूख और प्यासे हो जाते हैं। नॉलेज हर हमेशा हम देखते हैं कि हम ज्ञान के पीछे, नॉलेज के पीछे भागते रहते हैं, लेकिन हमारा जीवन वैसा नहीं रहता जैसा परमेश्वर चाहता है। और परमेश्वर कहता कि तुम मसीह के शिक्षा से निश्चय आगे बढ़ गए हो, लेकिन तुम्हारे अंदर वैसा जीवन नहीं है, वैसा मसीही जीवन नहीं है। इसके वजह से जब तुम प्रार्थना करते हो तुम्हारी प्रार्थना ऊपर तक नहीं आती। कई बार आप गिड़गिड़ाहट की प्रार्थना रखते हो, कई बार आप आंसुओं की प्रार्थना रखते हो, लेकिन हम देखते हैं कि हमारा जीवन नहीं रहता, हमारा मन उदास होने से हम कई बार गिड़गिड़ाहट की प्रार्थना करते हैं, आंसुओं के साथ प्रार्थना करते हैं, लेकिन बहुत बार हम वैसे जीवन को रखे नहीं रहते हैं। इसलिए शैतान, जो सभा उपदेशक के अध्याय में कहा गया है कि तुम्हारी प्रार्थनाओं को मैं रोक दूंगा, और उसी के विषय में परमेश्वर ने लिखा कि आकाश की पक्षी हमारे शब्दों को चुरा ले जाती हैं। हालेलुया। ये कितनी डरावनी बातें हैं कि कोई हमारे शब्दों को छीन लेता है, हमारी प्रार्थना को ऊपर तक जाने ही नहीं देता है। जिस प्रकार दानियल की प्रार्थना को ऊपर तक जाने के लिए वो तो चला गया दानियल, क्योंकि नम्र और अपने आप को दीन बनाया था, उसकी प्रार्थना पूरे ऊपर तक चला गया। जो गिड़गिड़ाहट की प्रार्थना किया ऊपर तक चला तो गया, लेकिन जब वापस उसका रिजल्ट आने वाला था कुछ दिनों तक उसे रोक दिया, कुछ दिनों नहीं 21 दिन तक उस प्रार्थना को रोक दिया गया है। कई बार आपकी प्रार्थना को कुछ दिन तक रोका जाता है, कई दिन कई हफ्ते आपकी प्रार्थनाओं को रोका जाता है और हम उस विश्वास, उस टॉपिक पर प्रार्थना नहीं करते हैं। एक बार परमेश्वर जो प्रभु यीशु मसीह है वो विधवा और दुष्ट न्यायाधीश के विषय में हमसे वार्तालाप करके अपने वचन में कहता है कि जो दुष्ट न्यायाधीश था ना तो परमेश्वर का भय मानता था ना ही कोई मनुष्यों की परवाह करता था, लेकिन जब वो विधवा ने अपना मुकदमा लड़वाने के लिए, अपना न्याय चुकवाने के लिए, अपने पक्ष में न्याय करवाने के लिए बार बार उसके पास जाती थी, बार बार जाती थी, वो सोचने लग गया, वो दुष्ट न्यायाधीश सोचने लग गया कि मैं ना तो परमेश्वर का भय मानता हूं ना तो लोगों की कुछ परवाह करता हूं, लेकिन बार बार ये विधवा आकर मेरे नाक में दम कर रही है, इसलिए मैं उसका न्याय चुका दूंगा करके। उसी टॉपिक पर परमेश्वर कहता कि जब दुष्ट न्यायाधीश उस न्याय को चुका दिया उस विधवा का, तो मैं तेरा पिता हूं, मैं तेरा परमेश्वर
परमेश्वर मैं परम प्रधान हूँ, मैं निश्चय तेरी प्रार्थना को सुनूंगा और उसका रिजल्ट तुझे निश्चय दूंगा। उसी टॉपिक पर परमेश्वर कहता कि प्रार्थना हमें बार बार, और जब तक उस टॉपिक में रिजल्ट ना आए तब तक उस टॉपिक में प्रार्थना करना चाहिए, क्योंकि कई बार हमारी प्रार्थना ऊपर तक चली तो जाती है लेकिन आने में कुछ समय तक लेट लगती है। और बहुत से विश्वासी भाइयों का प्रार्थना ऊपर तक जाती ही नहीं है क्योंकि वो अपने जीवन में सिर्फ वचनों को, नॉलेज अपने जीवन में रखा है, दुनिया का नॉलेज अपने जीवन में रखा है लेकिन वैसा जीवन को नहीं रखा है। हम थ्योरी को तो पढ़ लिए हैं, बाइबल, इस बाइबल में जितने वचन लिखे उस थ्योरी को रट डाले हैं, पढ़ लिए हैं, खा लिए हैं, लेकिन उसी तरीके से हम अपने जीवन को रखे नहीं है जैसा परमेश्वर चाहता है कि हम इसराइल के घराने के पहरुए हैं। चलो मैं तुझे इस दशा में लेकर जाऊंगा, गरीबी, हालात, हर तरीके से जो मैंने अगले वीडियो में बताया था परमेश्वर हमें परखता है, लेकिन हम उस परीक्षा में स्थिर नहीं रहते हैं, उस टॉपिक पर नहीं चलते हैं जो परमेश्वर चाहता है, क्योंकि हम थ्योरी को अपने दिमाग में लेके बसे हुए हैं। हम कहते हैं कि हम भी इस वचन को जानते हैं, हम इतने वचन को जानते हैं, लेकिन हम रियल में वैसे जीवन को जो परमेश्वर चाहता है वैसे चलते नहीं है। इसलिए परमेश्वर ने दूसरा यूहन्ना 1:9 में कहा, जो मसीह की शिक्षा से आगे बढ़ चुका है और उसमें स्थिर नहीं है उसके साथ परमेश्वर नहीं है। ये कितनी भयंकर बातें हैं मेरे भाइयों, मेरे विश्वासियों, जो आज आप इस वचन को सुन रहे हो निश्चय इस बात पर आप मनन करें, क्योंकि परमेश्वर ने भी कहा अपने आप को परख कर देखो कि तुम में मसीह का स्वभाव है कि नहीं है करके, क्योंकि हम कई बार चूक जाते हैं। इसलिए आज हम और आप आइए, हम इस विषय पर विचार करते हैं, इस टॉपिक पर हम ध्यान लगाते हैं, कहीं आपकी भी प्रार्थना रुक तो नहीं जा रही है और आपका मन, क्योंकि मैंने कई बार वीडियो में बताया कि हमारे अंदर हम तीन भाग से बने हैं, शरीर, प्राण और आत्मा, हम तीनों टॉपिक से बने गए हैं। क्योंकि कई बार हम जब प्रार्थना करते हैं हमारे मन को तो लगता है कि प्रार्थना हमारा ऊपर तक चला गया होगा करके, हम थोड़ा विश्वास कर लेते हैं, कुछ टॉपिक कुछ लाइन पर प्रार्थना किए रहते हैं अपने जरूरत के लिए और सोचते हैं कि हमारी प्रार्थना ऊपर तक चली गई, लेकिन ऐसा नहीं है मेरे भाइयों, मेरे विश्वासियों। बहुत बार हमारी प्रार्थनाओं को बीच में रोक दिया जाता है, जैसे कि कोई काले बादल आए और आपका एंटीना आपके टीवी के सिग्नल को रोक देता है। आप अब अगर चेक करो तो कहीं टीवी में प्रॉब्लम तो नहीं है, कहीं और कुछ चीज में प्रॉब्लम तो नहीं है, लेकिन आप जब देखेंगे कि ये बादल, जो काले बादल है, आकर उसको रोक देता है, उस सिग्नल को रोक देता है। उसी प्रकार हमारे पवित्र आत्मा का जो सिग्नल होता है परमेश्वर की तरफ जाने का, परमेश्वर के मार्ग तक पहुंचने का, उसको अंधकार की काली शक्तियां रोक देती है। और जब हम लगातार प्रार्थना करते हैं, लगातार गिड़गिड़ाहट की प्रार्थना, आंसुओं की प्रार्थना हमारे हृदय से होती है, हमारे हृदय की गड़गड़ाहट परमेश्वर तक पहुंचती है, तब उसका रिजल्ट निश्चय आता है। क्योंकि लगातार प्रार्थना करने से हम आसमानी शक्तियों को चीर देते हैं, फाड़ देते हैं और हमारी प्रार्थना ऊपर तक पहुंच जाती है परमेश्वर तक, क्योंकि लिखा कि तुम्हारे जब प्रार्थना ऊपर तक आते हैं तो स्वर्गदूत हमारी प्रार्थनाओं को अपने वेदी तक परमेश्वर का लेकर जाते हैं। हालेलुया। इसलिए मेरे विश्वासी भाइयों और बहनों, हो सकता है आप नॉलेज से भरे हो सकता है आप शिक्षा से भरे हो, कई बार हम ऐसे हो जाते हैं कि हमारे हाथ जो होते हैं परमेश्वर के सामने उठते हैं, परमेश्वर के लिए गिड़गिड़ाकर हम अपने लिए विनती करते हैं, लेकिन हम दूसरों के लिए हमारा हाथ नहीं बढ़ता, दूसरों के लिए हम कठोर हो जाते हैं, दूसरों के लिए हम मतलबी हो जाते हैं, हम सोचते हैं कि ऐसा हम क्यों करें, हमारे साथ वो ऐसा नहीं किया है। लेकिन मैं आप सबको यही बताना चाहता हूं, परमेश्वर कहता तुम शिक्षा में आगे नहीं, तुम जीवन को भी साथ साथ लेकर चलो, क्योंकि हम अगर वचन को समझ चुके हैं तो उसी के अनुसार से हम जीवन को भी रखें, ताकि जो परमेश्वर कहता है कि तुम में आत्मा का फल नहीं है वो फल हमारे जीवन पर लगे। जो परमेश्वर ने कहा मैंने तुझे जो तोड़ा सौंप दिया है उस तोड़े को और भी इस्तेमाल करो, उसके द्वारा और भी जीतो, उसके द्वारा और भी बटोरो करके, क्योंकि मैं एक दिन न्याय करूंगा कि मैंने तुझे 5 तोड़े दिए, मैंने उसको 3 तोड़े दिए, मैंने उसको 2 तोड़े दिए, लेकिन उसने कितना कमाया है और कितने को दबा दिया और कितने को बर्बाद कर दिया करके। इसलिए निश्चय इस टॉपिक पर हम सब विचार करें, क्योंकि परमेश्वर निश्चय हमारी प्रार्थनाओं को जो हम करते हैं, अगर हम अपने जीवन को वैसे नहीं रखते हैं तो परमेश्वर जैसे 58 में कहा कि गला खोलकर पुकार, ऊंचे नरसिंगे के शब्द से ललकार कर बोल दे, मेरी प्रजा को उसके अपराध को जता दे, कि जिस रीति से आजकल तुम उपवास रखते हो, प्रार्थना करते हो, उस रीति के अनुसार की प्रार्थना उपवास मेरे पास ऊपर नहीं आ रही है, सुनाई ही नहीं दे रही है। अब समझ के देखो कि परमेश्वर कहता है यशायाह 59 में
यहोवा का कान बहरा नहीं है कि वो सुन ना सके, वो अंधा नहीं है कि देख ना सके, क्योंकि हमारे ही अपराधों ने, हमारे ही अधर्मों ने हमें हमारे परमेश्वर से अलग कर दिया है। इसलिए हमारी प्रार्थना ऊपर तक नहीं जाती है और हम सोचते हैं कि हमारी प्रार्थना ऊपर तक चली गई होंगी और हम जीवन को फिर से चलने की कोशिश करते हैं और चलते भी हैं। लेकिन मैं आप सबको एक कड़वी सच को बताना चाहता हूं। निश्चय आप लोग कई लोग वहम में रहते हैं, बहुत से लोग वहम में रहते हैं कि परमेश्वर हम बोलते हैं उसको सुन लेता है, हम कहते हैं उसको सुन लेता है, वो सुन तो लेता है, लेकिन हमारे जीवन में अगर वो कर्म नहीं है वो परमेश्वर उसको अनसुना कर देता है। क्योंकि परमेश्वर कहता कि मैं जब तुझे बोला तुम सुने नहीं हो, और जब तुम बोलोगे मैं अपने मुंह को फेर लूंगा करके और तुम्हारी प्रार्थना को अनसुना कर दूंगा। वो सुन तो लेगा लेकिन अनसुना कर देगा। इसलिए आपकी प्रार्थनाओं में दोष लगाती हैं, अंधकार की शक्तियां और रुकावट डालती हैं। इसलिए आइए आप और हम ऐसे मजबूती के साथ जीवन को रखें जिस प्रकार दानियल अपने आप को नम्र और दीन किया, अपने आप को झुकाया और परमेश्वर के स्वभाव को प्रकट किया। मेरे विश्वासी भाइयों, लिखा है कि जो ऊपर से आती है वो कोमल होती है, वो मृद भाव, वो प्रेम से भरा, वो दया से भरी रहती है। इसलिए निश्चय हम इस टॉपिक पर विचार करें कि हम जो प्रार्थना कर रहे हैं कहीं वो प्रार्थना रुक तो नहीं जा रही है, कहीं वो प्रार्थना आसमान की शक्ति रोक तो नहीं दे रही है। और हम एक ही टॉपिक पर प्रार्थना नहीं करते, हम कई बार ऐसे होता है कि जिस टॉपिक पर हम प्रार्थना किए हैं अगर वो कुछ दिन तक नहीं आया, उस टॉपिक को छोड़कर और टॉपिक पर, उस छोटे टॉपिक को छोड़कर और अलग अलग टॉपिकों पर हम भागते हैं। परमेश्वर का स्वर्गदूत, अगर मान के चलिए एक उदाहरण मैं बताता हूं कि स्वर्गदूत हम एक टॉपिक पर प्रार्थना कर रहे हैं कि हे प्रभु इस भाई को बदल कर रख दे। अब उस भाई को बदलने के लिए परमेश्वर अपने दूतों को भेज रहा है कि उसके चलने फिरने में उसके नशे को छुड़ाए, उसके दोस्तों यारों को दूर करे। और उस टॉपिक पर स्वर्गदूत जैसे ही आया रहा होगा, हम दूसरे टॉपिक पर प्रार्थना कर रहे होंगे, अब उसी स्वर्गदूत को परमेश्वर बोलेगा वो अपने विषय को बदल दिया है, काम पूरा होने से पहले अपने विषय को बदल दिया है, इसलिए वो जो टॉपिक पर अभी प्रार्थना कर रहे हैं उसको पूरा कर दो। हालेलुया, हम उसको विषय पर अपना ध्यान परमेश्वर की ओर लगाने लग जाते हैं, उस टॉपिक पर लगाने लग जाते हैं परमेश्वर के ध्यान को, कि उस टॉपिक को छोड़ देते हैं जिस टॉपिक पर वो भाई बदल जा करके हम प्रार्थना कर रहे थे, अब दूसरे नए टॉपिक पर प्रार्थना करते हैं। ये नए नए टॉपिक पर लगातार प्रार्थना करने की वजह से हमारी प्रार्थना कोई भी सक्सेस नहीं हो पाती है। ये गंभीर बातें हैं। हम जब प्रार्थना करें तो कोई टॉपिक को भुलाए नहीं, अपने डायरी में, अपने बाइबल पर, अपने जिस जगह पर चाहे लिख ले, आज हृदय की पट्टियों पर लिख ले कि जिस टॉपिक को हमने प्रार्थना किया था क्या वो पूरा हुआ है कि नहीं हुआ है, कहीं हम उस टॉपिक को छोड़ तो नहीं दिए हैं, कहीं हम उस टॉपिक के अनुसार से हम चल रहे हैं कि नहीं चल रहे हैं, जिससे हमारी प्रार्थनाएं कहीं अधूरी ना हो जा करके। इसलिए आप भी दानियल की तरह प्रार्थना करें, जो दानियल दिन में 3 बार प्रार्थना कर रहा था, सुबह, दोपहर और शाम रात में जब वो प्रार्थना कर रहा था, गिड़गिड़ाहट के साथ प्रार्थना, उसकी प्रार्थनाएं आसमानी शक्तियों को हिला देती थी, उसकी प्रार्थनाओं से स्वयं प्रधान स्वर्गदूत जिब्राइल और मिकाइल आ जाते थे उसकी प्रार्थनाओं को सुनकर। क्या आप दिन में 3 बार प्रार्थना कर रहे हैं? क्या आप अपने प्रार्थनाओं को सीरियस ले रहे हैं? क्या आप गहराई से प्रार्थना कर रहे हैं, जैसे कि प्रभु यीशु मसीह ने पतरस को कहा कि पतरस मछली पकड़ने अर्थात इंसानों का दृष्टांत बता रहा था कि उसको पकड़ने के लिए जीवन की गहराई में जाना होगा, समुद्र की गहराई में जाना होगा। क्या हम गहराई में जाकर उस टॉपिक पर प्रार्थना कर रहे हैं, या हम सिर्फ काम चलाओ 2 मिनट, 4 मिनट, 10 मिनट की प्रार्थना कर रहे हैं, उसके बाद हम फिर से वही जीवन, वही मुझसे बोलना, वही अपशब्द निकालना, वही अपद्रव करना, वही झगड़ा करना, क्या वही फिर से चालू कर रहे हैं? ऐसे हालत में आप सब ध्यान से सुनिए, ऐसे हालत में हमारी प्रार्थना ऊपर तक नहीं जाती। ये मैं बार बार बोल रहा हूं आप सबको, मेरे विश्वासी भाइयों, यशायाह 58 को एक बार जरूर पढ़े। परमेश्वर कहता कि इस रीति से अगर प्रार्थना करोगे अपने आप को प्रसन्न करने के लिए, वो प्रार्थना मेरे तक सुनाई ही नहीं देगी करके। हालेलुया, इसलिए निश्चय आप सचमुच में जो प्रार्थना कर रहे हैं, क्या आपका विवेक, आपकी आत्मा, मैं मन की बातें नहीं कह रहा हूं, क्या आपकी आत्मा आपको गवाही दे रही है कि मैंने जो प्रार्थना किया परमेश्वर ने सुन लिया है? निश्चय सुन लिया है, क्योंकि मन कुछ अलग बातें करती है, आत्मा कुछ अलग बातें करती है। ये मन और आत्मा के टॉपिक पे जाने से
अगर आप समझना चाहते हैं तो जेकेएस मिनिस्ट्री जो मेरा ही है उस पर एक बार आप जाइए और शरीर प्राण आत्मा सर्च करिए, निश्चय उस टॉपिक पर भी आपको समझ में आएगा, क्योंकि हमारा मन हमसे कुछ और कहता है और हमारी आत्मा कुछ और कहती है। जिस प्रकार रोमियो 8 अध्याय में परमेश्वर ने कहा, जो तुम प्रार्थना करते हो पवित्र आत्मा जो प्रार्थना करवाती है वो प्रार्थना ऊपर तक आती है, और जो इस रीति से तुम मन के अनुसार प्रार्थना करते हो वो प्रार्थना कई बार छूट जाती है करके। हालेलुया, अभी आपके ऊपर है कि आप किस रीति से प्रार्थना करते हो और किस रीति से आप परमेश्वर के सामने अपने आप को नम्र बनाए हो, दीन बनाए हो। क्योंकि अगर हम सिर्फ विश्वास कर रहे हैं और प्रार्थना कर रहे हैं और हम मसीह की शिक्षा को सुन रहे हैं लेकिन जीवन को नहीं रखे हैं, अपने मुंह को नियंत्रण नहीं रखे हैं, अपनी आंखों को नियंत्रण नहीं रखे हैं और आत्मा के फल के अनुसार से हमारे अंदर फल नहीं है, हमारी प्रार्थना निश्चय रुक जाएगी। कितने ही हम सीने अपने ठोके, कितने ही हम सर ठोके, हमारी प्रार्थना ऊपर तक नहीं जाएगी और वो यहीं पर रुक जाएगी, यहीं पर स्थिर हो जाएगी और हम यह उदास होकर हताश हो जाएंगे कि हम निश्चय प्रार्थना करें लेकिन परमेश्वर सुन क्यों नहीं रहा है, वो सुनता क्यों नहीं है। मेरे भाइयों मेरी बहनों, परमेश्वर प्रार्थना को सुनता तो है लेकिन वो अपने मुख को कई बार फेर लेता है, क्योंकि हम उसके अनुसार जीवन जीते ही नहीं है, उसके अनुसार चलते नहीं है। निश्चय इस वचन से जो मैंने दानियल के बारे में बताया, निश्चय आप विचार करेंगे और निश्चय चलने की कोशिश करेंगे कि कहीं परमेश्वर मेरी भी प्रार्थना को अनसुना ना करे करके। हे मेरे भाइयों, क्योंकि परमेश्वर कहा ताड़ना ही से सुन ले और समझ ले, नहीं तो मेरे मन से उतर जाएगा। जब परमेश्वर ऐसा कहता कि तू मेरे मन से उतर जाएगा, ये बहुत ही हृदय को झकझोरने वाला शब्द है। इसलिए आप सीरियस हो जाए अपने प्रार्थना में, अपने जीवन में सीरियस हो जाए। आप लोगों को ना देखे, अपने हृदय को देखे और अपने हृदय से अपनी आत्मा से पूछे, क्या परमेश्वर मेरे प्रार्थना को सुन रहा होगा कि नहीं सुन रहा होगा। अगर आपको लगे कि नहीं सुन रहा होगा तो निश्चय गिड़गिड़ाहट के साथ आइए, अपने आप को नम्र बनाइए, दिन बनाइए और सबसे पहले वचन के अनुसार अपने जीवन को ढालिए। केवल थ्योरी को नहीं, केवल बाइबल पढ़ने वाला नहीं, केवल सुनने वाला नहीं, केवल सिर्फ देखने वाला नहीं, चलने वाला बनिए। केवल सिर्फ अगर आपको कोई बोल दे कि हमने कोई सब्जी बनाई है, आपको कैसा लगा, और उसने कभी चक्कर दिखा नहीं है, कभी उसका टेस्ट लिया नहीं है, और आप उसको बोल दो स्पेशल सब्जी बना दो और उसको बोलो कि भाई आपको कैसा लग रहा है, बहन आपको कैसा लग रहा है, वो निश्चय से अनुमान लगाएगा कि बहुत सुंदर बना होगा, बहुत सुगंध आ रहा है करके। लेकिन जब उसको चखेगा तो पता चला उसमें नमक का मात्रा ज्यादा है या मिर्ची का मात्रा ज्यादा है। उसी प्रकार परमेश्वर जब तक हमें प्रैक्टिकल करवाता नहीं है तब तक परमेश्वर को भी इस बात का विश्वास नहीं होता कि ये चलेगा या नहीं चलेगा करके। इसलिए मेरे भाइयों, जब आप थ्योरी को जो बाइबल को आप पढ़ रहे हैं, आप लोगों से सुन रहे हैं, तो आप चलने के भी साहस रखिए और चलिए भी। निश्चय आपकी भी प्रार्थना अंधकार की शक्तियों को चीरते हुए परमेश्वर के चरणों तक जाएगी और निश्चय कुछ ही दिन में रिजल्ट आएगा और आप आनंद से और पवित्र आत्मा से भर जाएंगे। इसलिए मैं आप सबको विशेष इस टॉपिक पर आपका ध्यान को केंद्रित करता हूं। आप निश्चय इस टॉपिक पर मनन करिएगा, कहीं आपकी प्रार्थना रुक न जाए। यीशु मसीह के नाम से मैं जितेंद्र सरवानी आप सबको सलाम करता हूं। आमीन।